नमस्कार दोस्तों, एनके फर्नीचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्लाई काटने के लिए स्टैंड। वो इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि हमने एक कारखाना खोला है और इसलिए हमें एक प्लाई स्टैंड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्लाई के ऊपर रखकर काटते हैं तो एक प्लाई नीचे वाली हमारी ख़राब हो जाती है। अगर मेरे भाई जो पहले से बना लेते हैं वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, और जो नहीं बनाना जानते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक प्लाई ख़राब होने से बच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें 1 इंची प्लाई के बटन की। तो हम क्या करेंगे, 2 इंची के ऊपर निशान लगाएंगे, और 1 इंची की हमारी कटर मशीन की थल है, तो ये पट्टियाँ हमारी लगभग 1 इंची की कट जाएगी। तो इस तरीके से हम 8 पट्टियाँ काट लेते हैं, और 8 पट्टियाँ हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि 2 पट्टियाँ हम साइड में ठोकने वाले हैं। जैसे कि हमने 8 पट्टियाँ काट ली हैं, और सबसे पहले हम साइड वाली पट्टियाँ ठोकेंगे, और साइड में पट्टी इसलिए ठोक रहे हैं हम क्योंकि जब हम बीनियर या एमडीएफ काटते हैं तो ऊपर से पट्टा दबाते हैं तो हमारा बीनियर या एमडीएफ टूटने का चांस नहीं रहता है। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड में लंबी पट्टी ठोक लेंगे, और इसको ठोक रहे हैं हम 20 नंबर कील में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम इस स्टैंड को 16 mm प्लाई में बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड ठोक लेते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा ये स्टैंड बन चुका है, और अब इस चैनल पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होंगे क्योंकि अब हम कारखाना खोल लिया है। तो आपकी मेहरबानी से आप अपना सपोर्ट और प्यार और दुलार सब बनाए रखना, और आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट जल्द से जल्द कीजिए। तो लगभग हमारी दोनों पट्टियाँ ठुक चुकी हैं, और अब हम आड़े वाले पीस काट लेते हैं इसके अंदर अंदर। तो इसके हम दो दो टुकड़े कर लेते हैं, तो जैसे कि हमने कर लिया है दोस्तों, जैसे कि हमारी पट्टियाँ कट चुकी हैं, और अब हम इसको लगाने वाले हैं 8 8 इंची पे। तो 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 11 8 88, और 12 8 96। तो हम इनको भी इसी तरीके से ठोक लेते हैं। जब तक पट्टी ठोक रही है आप कहीं मत जाइएगा। और आप सभी दोस्तों के लिए एक जरूरी सूचना है, जिन भाइयों का चैनल है वो भाई हमें कमेंट कीजिए, और हमको जिस भाई का कमेंट अच्छा लगेगा हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे, ताकि कुछ लोग आपके चैनल पर भी आ सके। तो जल्दी कीजिए कमेंट, देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। तो दोस्तों, लगभग हमारा ये स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है, और आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। ये स्टैंड बन चुका है, और अब हमने इसके ऊपर प्लाई डाल ली है, और अब हम इसको प्लाई को काट के देखते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इस एक प्लाई को एक सैंपल के तौर पर काटा है, तो जैसे जो हमारा कटर ब्लेड है वो इस प्लाई के कट निकाला है उसने, और नीचे वाली प्लाई हमारी बिल्कुल सेफ रहेगी है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा है, क्योंकि जब हम इस प्लाई को काटते हैं तो या इसके नीचे पट्टा डालते हैं तो हमें पट्टा बार बार खिसकाना पड़ता है, और इसको बनाने के बाद जैसे ये प्लाई रखिए निशान करिए,
और उसी जगह पे आराम से काटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस भी कर लेना, क्योंकि जब हम कोई फर्नीचर से जुड़ा हुआ वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको किस बारे में वीडियो चाहिए हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।